हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके रिलेटेड है राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार की जो योजना है बेरोजगारी भत्ते से, तो उसी के रिलेटेड आज हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपके जो पैसे मिलते हैं आपको बेरोजगारी भत्ते के तौर पर हर महीने आपके खाते में जो है जो जमा हो जाते हैं। इसके लिए आपको करना होता है आवेदन, जिसके लिए आपको दो स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं। तो आप उसे जब घर बैठे कैसे चालू कर सकते हैं अपने मासिक बेरोजगारी भत्ते, तो उससे रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के की पॉइंट जो हमने आपके सामने रखी है, तो यहाँ पर दो पॉइंट हम क्लियर करेंगे, जो कि है आपका सबसे पहले रोजगार कार्यालय पंजीकरण। कई भर्तियों में रोजगार कार्यालय पंजीकरण मांगा जाता है, तो आपको कई दुकानों पर चक्कर काटने होते हैं और 100 से 200 रुपए आपको खर्च करना होता है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिससे आप अपने सिर्फ घर बैठे ही इसको चालू करवा सकते हैं, पंजीकरण अपना कर सकते हैं। और सेकंड जो की पॉइंट है वो है हमारा बेरोजगारी भत्ते का। तो फ्रेंड्स, ये जो बेरोजगारी भत्ता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो आपको कैटेगरी वाइज जो है आपको पैसा मिलता है आपके खाते में। तो ये वीडियो जो आप हमारे लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल एक एक स्टेप देखिएगा, जिससे आप कोई भी गलती ना करें और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दुकानदार को पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए बिल्कुल एक सिंपल वीडियो मैंने इसमें बनाया है, जिसमें आप आराम से आसानी से अपना भत्ता जो है चालू करवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी के रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, रोजगार पंजीकरण करने के लिए और बेरोजगारी भत्ते के लिए आपको सबसे पहले आना होगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट पर, मींस इसको आप SSO की वेबसाइट भी कहते हैं। तो SSO ID आपको यहां पर जनरेट करनी होगी। यदि आप पहली बार यूजर हैं और पहली बार SSO ID पर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर सिटीजन का ID जो मिलती है, तो आपको सिटीजन पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको भामाशाह, आधार, फेसबुक, गूगल, ट्विटर के भी थ्रू आप इसमें जो है रजिस्टर कर सकते हैं और अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर रजिस्टर कर लेंगे और अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपको आना होगा दोबारा से लॉगिन पर, और जो पास पहले से ही आईडी है उनको डायरेक्टली यहां पर लॉगिन करना है। तो फिर इसके लिए आपको यहां पर अपनी SSO आईडी डालनी होगी, उसके बाद यहां पर जो आपने पासवर्ड जनरेट किया है वो आपको यहां पर डालना होगा, उसके बाद ये आपका जो कैप्चा कोड है ये आपको डालना है और सिंपली लॉगिन करना है। यहां तक कोई भी गणित इसमें ऐसी नहीं है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद जो है आपके सामने एक डेस्क खुलता है, जहां पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एम्प्लॉयमेंट का, तो यहां पर आपको ये साइन देखना है। कहीं पर भी आपको ये ऊपर से नीचे तक आप ये पर सर्च कर लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस पर सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आप पहुंचते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहां पर आपको डालना होगा जो दो ऑप्शन है, एम्प्लॉयर का और एक जॉब सीकर का। तो यहां पर आपको जॉब सीकर जो है सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछता है न्यू रजिस्ट्रेशन या एग्जिटिंग यूजर। यदि आप एग्जिटिंग यूजर है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और यदि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहां पर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने ओपन हो गया है इसका ऑनलाइन फॉर्म। तो फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है वो है आपके क्या, आपका डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, मिस जो आपको लगाते हैं वो आप यहां लगा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। तो यहां पर फर्स्ट नेम आपका अनिवार्य है और मिडिल नेम, लास्ट नेम यदि आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फर्स्ट नेम से काम चल जाएगा। पर यदि आपके पास लास्ट नेम है या फर्स्ट नेम कुछ भी है, तो आपको यहां पर जो है उसकी एंट्री करनी होगी। उसके बाद है फ्रेंड्स आपके पिताजी का नाम, तो आपको पिताजी का नाम जो भी आपकी मार्कशीट में है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ अपनी जो भी है वो यहां सेलेक्ट कर लीजिए। पर आपने आधार कार्ड या भामाशाह से इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो वो ऑटोमेटिक आपकी यहां पर आ जाएगी। उसके बाद जेंडर आपका ऑटोमेटिक यहां आ जाने वाला है। उसके बाद आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें दो चीजें आपकी डिपेंड करती है, कौन कौन सी, कि आप यदि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं बेरोजगारी कार्यालय में, रोजगार कार्यालय में, तो आप जो है अपनी कोई भी डिग्री यहां पर डाल सकते हैं, 10वीं पास 12वीं पास 8वीं पास जो भी है। उससे अगर कोई वैकेंसी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं जो कि रोजगार पंजीकरण कार्यालय के थ्रू होती है, तो आप सिंपली अपनी जो है क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। पर यदि आपको मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता ही लेना है और उसके लिए ही आप इसको कंप्लीट कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहां पर आपको कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री तो आपकी अपनी डालनी ही होगी। तो यहां पर आपकी जो भी ग्रेजुएशन डिग्री है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपके एड्रेस टाइप, तो देखिए यहां पर दो एड्रेस है, आपके रेजिडेंटल है, एक कॉमर्शियल है, तो यहां पर आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका एड्रेस, तो देखिए फर्स्ट लाइन जो है आपको कंप्लीट
करना अनिवार्य है, उसके बाद ये आपकी डालें तो ठीक है, अगर है ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका राजस्थान ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ता है, ये राजस्थान का लिमिटेड है, तो राजस्थान तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट आपका रहेगा। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रिक्ट का, तो देखिए यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट आपको दे रखे हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपका जो एक्सचेंज नेम है वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका सब डिस्ट्रिक्ट, आपका सब डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर लिस्ट आएगी, वो आप सेलेक्ट यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका सिटी या विलेज का ऑप्शन है, तो ये आप अपना हिसाब से देख लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड आपका ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन एरिया का, अब देखिए आपका रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है ईमेल आईडी का, अब ये ईमेल आईडी का जो ऑप्शन है ये आपको जरूरी डालना होगा, बिल्कुल अनिवार्य चीज है ये। उसके बाद फ्रेंड्स आपका मोबाइल नंबर है, ये आपको डालना है। उसके बाद है आपका रीजन, तो अपना रीजन जो भी है आपका वो यहाँ से सेलेक्ट आप यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी कास्ट कैटेगरी, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए माइनॉरिटी डाल देते हैं या फिर ओबीसी डाल देते हैं, एससी जो आपकी कैटेगरी है एक्चुअल आपके स्टेट वाइज, तो वही आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी आप चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना है, भामाशाह कार्ड नंबर डालना है, और यदि आपके पास आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है कोई अदर यूआईडी का तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब देखिए ये सब चीजें अनिवार्य नहीं है, आधार कार्ड नंबर और भामाशाह कार्ड नंबर डालने से क्या होता है, आपका जो ये फॉर्म है जो आपकी एप्लीकेशन है वो जल्दी अप्रूव्ड हो जाएगी। तो आपके पास यदि आधार कार्ड है तो आप वो डाल दीजिए, भामाशाह कार्ड है तो वो भी डाल दीजिए, नहीं तो आप इनमें से एक चीज तो डाल ही दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन आता है वो है डेडिकेशन का, एरिया का, एनसीओ कोड का, तो ये वो आपको बहुत सोच समझ के यहां पर डालना है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रद्द हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप सिंपली एक बार यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने बीए कर रखी है तो आप एक बार आर्ट्स लिख दीजिए। अब देखिए आर्ट्स से क्या होगा, देखिए ग्रेजुएट आर्ट्स का यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने ऑप्शन, पोस्ट ग्रेजुएट का ऑप्शन आ जाएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर आर्ट्स का क्वेश्चन आ जाएगा, तो सारे टॉपिक आपके यहाँ पर आ जाएंगे जो भी आपका कोड होगा। यदि आप मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी साइंस से रिलेटेड सारी डिग्री यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। तो फ्रेंड जैसे मान लीजिए हमने आर्ट्स ही चूज किया है तो हम आर्ट्स ले लेते हैं यहाँ पर और ग्रेजुएट आर्ट्स हम यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का, तो देखिए यहां पर आपको जो है स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालिए, एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड डालिए, अनएम्प्लॉयड आपको यहां पर डालना होगा। एम्प्लॉयड डालने से क्या होता है कि आपको दिखाता है कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई भी काम नहीं है। और मान लीजिए आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वो पुराना रजिस्ट्रेशन है और वो मान्य नहीं रहा है तो आप अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट को आप यहां पर डाल दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है अपलोड फोटो का, तो देखिए यहां पर 1 KB से 200 KB के बीच में आप फोटो यहां पर डाल सकते हैं, तो फोटो का साइज बिल्कुल भी आराम से है तो आप कैसी भी फोटो यहां डाल दीजिए, बस आपका छोटा मोटा जो शक्ल है जो फोटो है वो आराम से इसमें दिखनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपका वुड यू लाइक टू रिसीव नोटिफिकेशन, तो रोजगार कार्यालय के थ्रू जो समय समय पर आपको कार्यालय में जो भर्तियां निकलती हैं और जो कंपनियां आती हैं वो नोटिफिकेशन जो भेजना चाहती है वहां से रोजगार कार्यालय, वो आपको भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप यहां पर अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं कहूंगा आप यहां पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि इसमें अगर आपको कोई नोटिफिकेशन वहां से आती है तो आपको इसमें समस्या कोई भी नहीं है, आप जाएं या नहीं जाएं वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जैसे ही आप यहां कर देंगे उसको आपको करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जारी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने आप फॉर्म को सबमिट कर दिया वैसे ही आप देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमको यहां पर जारी हो गया है, तो आपको सिंपली अब करना है ओके। तो फ्रेंड्स ओके करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का, तो फ्रेंड्स इसका जो फॉर्म है इसका जो प्रिंट है आपको निकाल के रख लेना है, और जो प्रिंट निकलेगा वही आपका रोजगार पंजीकरण संख्या है, और ये जो नंबर आए हैं आपके मेल पर भी और मोबाइल SMS पर भी वो आपके रोजगार पंजीकरण संख्या है, और कहीं पर उसका प्रमाण पत्र रोजगार पंजीकरण का मांगता है तो आपके इसी प्रिंट आउट को आपकी उसकी फोटोकॉपी वहां पर लगानी होगी। अभी हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है बेरोजगारी भत्ते तक का, तो जहां तक किसी को कंप्लीट करना था सिर्फ रोजगार पंजीकरण करना था उसके लिए यहां तक का वीडियो सक्सेसफुल हो चुका है, आराम से आपने इस फॉर्म को फिल कर लिया है। अब जो सेकंड स्टेप है उसके ऊपर चलते हैं जो कि है हमारे बेरोजगारी भत्ते का। तो फ्रेंड्स बेरोजगारी भत्ते के लिए आपको दोबारा से एम्प्लॉयमेंट पे जो है क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर जो आपने अभी फॉर्म भरा है उसको आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, मतलब जो जो डिटेल आपकी और एक्स्ट्रा यहाँ पर रह गई हैं उनको भी आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे आपका मैरिटल स्टेटस हो गया, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका कास्ट, यदि आपकी OBC SC ST है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट और उसका जो इशूड बाई तहसीलदार है किसी के थ्रू वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं तो आपका नाम जहाँ पर भी आता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना
करना है सिंपली, तीन जैसे यहाँ पर स्क्रीन के भामाशाहकार में तीन नाम है तो तीन नाम शो कर रहा है, तो उसको वही सेलेक्ट करना है जिसके नाम का आपको बेरोजगारी भत्ता जारी करवाना है। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का, तो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको एड न्यू का, तो आपको सिंपली एड न्यू पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी जो पूरी डिटेल है वो आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जब से ओपन हो जाएगी तो उसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें आपको फॉर्म के नीचे आना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपने पहले कभी 2007 या 2012 या अक्षत योजना जो 2009 है उसमें बेरोजगारी भत्ता उठाया है या नहीं उठाया है। यदि आप पहले उठा चुके हैं तो आप इसमें दोबारा से भत्ता नहीं उठा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। उसके बाद जो है आपकी ग्रेजुएट डिग्री जो है राजस्थान से है या नहीं वो आपको यस या नो करना है, और आपको यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालना है, आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है बोनाफाइड का, तो आपको यहाँ पर यस करना ही होगा। एनुअल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आपकी इनकम 2 लाख से कम है या ज्यादा है वो आपको यहाँ शो करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स बैंक का जो नाम है, सिर्फ एक ही बैंक का नाम यहाँ आता है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसकी जो ब्रांच है आपकी वो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपका IFSC कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, और आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ तक का आपका काम जो है कम्प्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड जो ऑप्शन है वो है आपके ई साइंड योर डॉक्यूमेंट्स का, तो यहाँ पर जो आपका आधार नंबर है यहाँ पर आपको सेंड OTP करना होगा। सेंड OTP से होगा क्या कि आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके आधार कार्ड में उस पर एक OTP जाएगा, और वो जो OTP जाएगा उसको आपको यहाँ पर एंटर OTP में डालना है और वेरीफाई यहाँ पर क्लिक आपको करना होगा, क्योंकि ये है आपके ई साइन का ऑप्शन। तो इससे जो आपके डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ई साइन हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो है आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट मींस मूल निवास का, सेकंड जो ऑप्शन है वो आपके ग्रेजुएशन का, उसके बाद आपकी 10th मार्कशीट, उसके बाद आपकी बैंक पासबुक, और उसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ पर आपको यूनिक नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डालना है, उसके बाद इशू डेट डालनी है, उसके बाद जो ई साइन डॉक्यूमेंट है आपका अपलोड करना है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जैसे ही आप इसको अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब आप कहेंगे कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, तो आपको देखिए यहाँ पर एक PDF का साइन दिख रहा होगा, इस PDF के साइन पर आपको क्लिक करना है, और उस PDF साइन पर क्लिक करने के बाद जो आपका जो पन्ना निकलेगा डिक्लेरेशन का उसको प्रिंट लेकर आपको उस पर फोटो चुपकानी है, और यहाँ पर आपको साइन करना है, और यहाँ पर जो आपकी डिटेल है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट, तो सिंपली करके दोबारा से आपको स्कैन कर देना है। तो ये जो है आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और PDF के साथ में आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपकी यूनिक ID जो है और उसके बाद इशू डेट जो है वो आपको सिंपली यहाँ डालना है, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ सिंपली अपलोड करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्टेटस दिखेगा, तो यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग यहाँ पर आपका शो करेगा। मैं आपको दूसरा एक फॉर्म खोल के बता रखा है मैंने आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है पेंडिंग शो करेगा, तो 3 या 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर आपका जैसे ही अप्रूव होता है उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जब भी वो रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्यालय जो है आपका वो आपका जैसे ही पैसे इशू करेगा वैसे ही आपके खाते में जो है रकम वहां से आ जाएगी आपकी कैटेगरी वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आशा करता हूँ आपको जो सारी जानकारी जो मैंने अभी आपके सामने शेयर की है वो आपको आ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। यदि कोई भी दिक्कत आती है फ्रेंड्स सबमिट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, और हमें कमेंट करके भी आप अपने जो क्वेरी है, सवाल है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पे हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।